नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडोल। मेरे YouTube चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसेल सिग्नल काम का स्किनर बनाया और उसी का थ्रू मैं आप लोगों को रेगुलर व्यू देता हूँ और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करता हूँ, वो उसका आज का परफॉर्मेंस कैसा रहा वो आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने का जो लिंक है वो उसके लिए, तो उसका लिंक भी इस वीडियो में दिख जाएगा। और इसका सैम्पल फाइल कैसा, ये फाइल कैसा है, कैसे क्या क्या रहता है, इसका आप लोग सैम्पल फाइल डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक भी मिल जाएगा। और इसको कैसे स्क्रीनिंग करता है, इसमें क्या क्या है, क्या क्या स्क्रीनिंग, ये आप लोग पिछले वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और ये कैसे काम करता है, तो इसमें आप लोग को तो ये बाइसेल सिग्नल कम स्किनर कैसे यूज़ कर सकते करना किया जा सकता है वो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो देखिए, मैंने कल जो व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने फाइल शेयर किया था उसको मैंने डाउनलोड कर फाइल कल आप लोग टाइम दे सकते, लेवल जो देता हूँ उसका वीडियो देख सकता है। मैंने बाइसेल लेवल दिखाता हूँ, 100 डे ईमे का स्ट्रेटजी दिखाता हूँ, इनसाइड द बार्ट N4 N7 कुछ कैंडल स्टिक का पैटर्न दिखाता हूँ। तो वो आप लोग को एक एक करके एक एक दिखाऊंगा, एक दो करके दिखाऊंगा। सोच लीजिए, मैंने कल मेरा एक्सिस बैंक था मेरा रिकमेंडेशन में, मैंने रिकमेंडेशन भी देता हूँ। तो एक्सिस बैंक का जो बाई लेवल था 741.40 और सेल लेवल था 734.26। तो इसमें आप लोग को चार्ट में दिखाऊंगा। तो इसमें देखते हैं, देखिए, तो मतलब इसका सेल लेवल नहीं हुआ था, तो ये 734.25 था, उसके बाद ये ऊपर ही गया है 735 का, ये ऊपर ही गया है। जब जब 741 का ऊपर गया था, 741 का ऊपर पहले तो ये 745 कुरी गया था, उसके बाद ये सोच लीजिए आप लोग 741 में जब एंट्री लेंगे एटलीस्ट 3-4 पॉइंट जब स्टॉप लॉस रखेंगे इसका, तो इधर देखिए 742 का नीचे ये आया नहीं है। उसके बाद आप लोग ट्रेल स्टॉप लॉस ट्रेल करते थे, तो इधर देखिए इधर कॉस्ट टू कॉस्ट आया था, उसके बाद फिर ये 752 तक गया था, 751 तक गया था, 751.30 तक गया था। तो इधर एक बाई लेवल सेल लेवल दिखाया। और मैंने जो दिखाना चाहूँगा वो है बर्जर पेंट, वो भी मेरा रिकमेंडेशन का अंदर था, आप लोग देख सकता है भी इसमें ट्रेड किया है। इधर देखिए एक्सिस बैंक, स्कॉट डासिंग बैंक, बड़ौदा इंडसइंड बैंक, HDFC एक्सट्रेट, तो ये सब मैंने दिया था। तो बर्जर पेंट शायद इसमें नहीं था, तो स्कॉट ग्रासिम लैंडमार्क, लैंडमार्क को एक बार देख लेते हैं। लैंडमार्क को एक बार देखते हैं, लैंडमार्क का देखिए इधर 346.60 पे इसका 346.60 में इसका बाई लेवल था 343.15, इसका 343.20 इसका ये लेवल था, सेल लेवल था। तो देखते हैं फिल्म को क्यों चूज किया, आप लोग बाद में देखेंगे, वो 100 डे में वाला स्ट्रेटजी में भी था। तो देखते हैं इधर 347.47 में ओपन हुआ था 343.35, उसके बाद 343.35 का नीचे जब ये आया था 343.20 के नीचे, पहले तो इधर 346 का ऊपर नहीं गया था, उसके बाद 346 के ऊपर नहीं गया था ना 346, इसमें आप लोग एंट्री नहीं ले पाते थे, 5 मिनट का फास्ट कैंडल में गया था, उसके बाद 343.20 का नीचे ये आया था 341.95 तक आया था। इसके बाद आप लोग बने रहेंगे तो बने रहते थे तो इधर 340.60 तक ये नीचे आया था, ठीक है। तो ये दोनों दो मैंने दिखा दिया बाई सेल लेवल से। इसके बाद मैंने आप लोग मेरा वीडियो देख सकता है, मैंने बाई लेवल सेल लेवल देता हूँ और 100 डे ईएमए का स्ट्रेटजी कौन सा कैंडल में फॉर्म हुआ है उसका दिखाता हूँ और इनसाइड द बात, तो इसीलिए मैंने सबका परफॉर्मेंस एक एक क्योंकि उसमें सब दिखाऊंगा तो आप लोग को ये नहीं दिखा पाऊंगा। तो इधर देखिए अपोलो टायर में तो ये छोटा स्टॉक्स होता है, तो कुछ बड़ा स्टॉक जैसे मूवमेंट अच्छा देखने के लिए मिलता है।
इधर भी, इधर देखिए ये ग्लेनमार्क भी इधर इधर आया था, तो इधर देखिए 342.50 जब किया था और इसका 340 नब्बे तक इसका लो मारा था। तो ये देखिए हिंद लिवर, इसका 1997 1957 हाई लो था, देखना पड़ेगा एक बार ये तोड़ा था का नहीं तोड़ा था। हिंद यूनी रिवर और इसका हाई था देखिए 1900 कितना काल का हाई था 1997 1997.85 और लो था 1957। तो लो आया था क्या एक बार देख लेता है ना, 1982 इसका 1982 इसका लो था। तो इसका जब 1997 तोड़ा था तो आप लोग देख सकते हैं इधर 2005 उसके बाद था, इधर 2013 तक गया था, हाई गया था 2013 तक, एटलीस्ट 2014.80 तक आप लोग एंटी मतलब प्रॉफिट कर सकते थे। तो ये गया 100 डे का एक स्ट्रेटेजी आप लोग को दिखाया कैसे काम किया, और भी एक देखना चाहता हूँ इंफ्राटेल को देखते हैं कैसे काम किया था, और 100 डे का स्ट्रेटेजी आप लोग को भी मैंने दिखाया था कि कैसे ये क्या चीज़ होता है, इसमें आप लोग को दिखा देता हूँ फिर से। सो जैसे इधर मैंने पूरा क्लियर कर दिया, और इधर मूविंग एवरेज हंड्रेड को लगाते हैं, 100 डे मूविंग एवरेज को लगा दिया। तो देखिए इधर मैंने कैंडल स्टिक बनाया, तो इधर जो कल का जो कैंडल था मतलब करंट कैंडल को, ये आज भी इसका ये हिंदुस्तान यूनिलीवर आज भी आएगा इस मेरा लिस्ट पे आएगा, क्योंकि ये आज आज का कैंडल को भी कट किया है, टच किया है। तो वन डे डेली चार्ट का जब 100 डे में कट किया करता है तो इसका ये इसका हाई लो जब तोड़ता है, इसका हाई लो देखिए आप लोग 1997 1957, तो इस ये जब तोड़ता है तो अच्छा मूवमेंट देने का पॉसिबिलिटी रहता है। तो इसका आप लोग को दिखाया दिया इंफ्राटेल को चाहिए हिंदुस्तान यूनिलीवर होगा, इस एट द बार NR4 NR7 और कुछ आज का कल का कैंडल का जो हाई लो जब तोड़ा है, या कल का कैंडल का हाई लो जब तोड़ा है प्लस आप लोग 1 डे इनसाइड द बार 1 डे NR4 NR7 पकड़ेंगे तो कल का कैंडल पकड़ना है, और इन टू 1 डे इनसाइड द बार 1 डे टॉट या 2 डे को पकड़ेंगे तो आप लोग को ये वाला कैंडल या ये वाला कैंडल पकड़ना था। तो ये देखिए ये वाला कैंडल जब 744.60 जब ब्रेक हुआ है, ये आज 761.80 तक हाई गया है, लो के नीचे आई नहीं था। उधर इसका इस कैंडल को 747 के ऊपर ये 761, ये इस कैंडल पकड़ लेंगे 756 पकड़ लेंगे तो ये 761। तो ये चला गया आप लोग इंसर्ट दबार NR4 NR7 स्ट्रेटेजी, और कोई भी कैंडल स्टिक आप लोग देख सकते हैं उसका लेवल भी आ सकता है, इतना सारा कैंडल स्टिक रहता है, इतना सारा कैंडल स्टिक का पैटर्न आप लोग कोई भी देख सकते हैं। ये सोच लीजिए अपोलो टायर, अपोलो टायर बजाज फिनसर्व देखते हैं, बजाज फिनसर्व ये कौन सा लेवल है इसका, ये बुलिश एनगल्फिंग बजाज बजाज फिनसर बजाज फिनसर ये देखिए बुलिश एनगल्फिंग था, ये कालका का ये कालका कैंडल था, ये कालका कैंडल के हिसाब से बुलिश एनगल्फिंग था। इसका हाई जब आज ब्रेक हुआ था देखिए 9468 से, ये कितना गया 9579। तो आप लोग ऐसे देख सकते हैं कैसे प्रॉफिट होता है, और इधर आप लोग और भी बहुत सारा स्ट्रेटेजी मतलब इधर आप लोग को कैंडल स्टिक पैटर्न मिल जाएगा, और मैं जो करता हूँ तो इसमें ऐसे करके मैंने सिलेक्ट करता हूँ, मेरा जो ट्रेडिंग स्लो हो जा रहा है, पहले शॉर्ट स्लो सॉरी NR4 देखे कर लेता हूँ, उसके बाद फिबोनाची लेवल इधर आए, फिबोनाची लेवल का पिवट पॉइंट का जो हिसाब से बाई का एंट्री लेवल में जो हाई रहता है 7 दिन का हिसाब से कर लेता हूँ, उसके बाद और 5 डेज का ये हिसाब से कर लेता हूँ, ऑलरेडी हो गया, और 3 डेज का हिसाब से करता हूँ, 3 डेज का हिसाब से करता हूँ, और 3 डेज का ये अभी ख़त्म हो जाएगा, 3 डेज का हिसाब से करता हूँ, और इधर 2 डेज का हिसाब से कर लेता हूँ, 2 डेज का हिसाब से कर लेता हूँ, और पूरा एकदम 1 ईयर तक कर लेता हूँ। उसके बाद क्या करता हूँ, मैंने जो बाई लेवल और सेल लेवल को दोनों साइड साथ